सोनू शर्मा का जन्म 11 नवंबर 1981 को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में हुआ। इनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां पर पैसों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। इन्होंने अपनी शिक्षा दयानंद पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से पूरी की, उसके बाद देव कॉलेज चंडीगढ़ से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। सोनू शर्मा पढ़ाई में सामान्य थे। इनके परिवार वाले पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर भी देते थे। सोनू शर्मा ने अपनी पढ़ाई कॉमर्स सब्जेक्ट से शुरू की और उसके बाद इन्होंने अकाउंटेंट में टीचर की जॉब भी की। सोनू शर्मा ने 14 सितंबर 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। इस कंपनी का नाम नेस्विज था। वे 17 अप्रैल 2009 को डायनेमिक इंडिया ग्रुप के फाउंडर बने। उसके बाद उन्होंने 2015 में अपनी पहली लग्जरी कार मर्सिडीज खरीदी। सेकंड हैंड स्कूटर से मर्सिडीज कार का सफ़र सोनू शर्मा की जर्नी का काफ़ी रोमांचक और इंस्पिरेशन से भरा हुआ हिस्सा है। आज वे अपने YouTube चैनल के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज देना शुरू किया। उनकी वीडियोस बिजनेस के साथ मोटिवेशन इंस्पिरेशन से भरी हुई है। सोनू शर्मा के YouTube चैनल पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 58 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इनके वीडियोस को देखा है। उनके वीडियोस को भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी देखा जाता है। अगर सपने बड़े हों और उन्हें पाने की जिद भी बड़ी हो तो आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। ये सोनू शर्मा सर की लाइफ से हम सीख सकते हैं। जाते जाते मैं उनके एक फेवरेट लाइन को कहना चाहूँगा, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू कर दिखाना होता है।